नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं का डियर लर्नर्स के पेरिस यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने के लिए, उस पर आपको जानकारी देने के लिए मैं इस क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम है शशांक तिवारी, मैं आपके चैनल पर CDP संस्कृत और हिंदी को डील करता हूँ। बड़ा अहम मुद्दा ये है कि आज मैंने शुरू में ही सुबह ही देखा है कि एक जो न्यूज आज हमारे पेपर में ट्रेंड करी, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, होम स्क्रीन पर मैंने उसको लगाया भी है कि CET यानी सीटेड में बीएड धारकों को परिणाम जारी करने पर रोक। बहुत समय से बच्चे हमसे बार बार पूछ रहे थे कि सर डिजी लॉकर में हमारा जो कहते हैं कि जो मार्कशीट है वो अपडेट नहीं हो रही है। तो प्यारे बच्चे, इसीलिए अपडेट नहीं हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, ये जो परिणाम का मामला है, ये कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रोक दिया गया है। देखो लिखा हुआ है भी, आप जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, लिखा है कोर्ट ने कहा जारी किया तो LAP के मामले के होगा अधीन। यानी कि आप जानते हैं कि एक जो मामला है वो बीएड वर्सेस BTC सुप्रीम कोर्ट पे विचाराधीन है, उसकी 4 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होनी है और उस पर फैसला आएगा या नहीं आएगा इस पर तुम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी CET का जो परिणाम बीड वालों का था, अच्छा DLED वालों को तो कोई समस्या नहीं है, वो उनका अपना स्मूथली चल रहा है। और ऐसा ही UPTET का भी, आप जानते हैं कि जो जो प्राइमरी लेवल का है वो भी रुक चुका है। तो ये सब जो रिजल्ट है, ये कब मार्कशीट जारी होंगी, कब क्या होगा, इसके विषय में आज ये जो छोटी सी जानकारी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो न्यूज पढ़ने के बाद में भीड़ वाली ये सोच रहे क्या सर हम बाहर हो गए, तो ऐसा अभी फैसला नहीं आया है। क्योंकि अगर ऐसा कोई फैसला आएगा तो आप तो जानते हो कि इसको सुप्रीम कोर्ट पर आगे चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया है। माध्यमिक, देखो लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को केंद्रीय पात्रता परीक्षा प्राथमिक 2022 की BA डिग्री धारकों के लिए परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वो कहता है कि आप इसका जो है परिणाम जारी नहीं करोगे, इसकी मार्कशीट अब जारी नहीं करोगे। कोर्ट ने कहा कि बीएड डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका के आदेश के बाद जारी किया जाएगा। यानी अगर जारी भी कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक विशेष प्रकार की याचिका के तहत होगा, यानी एक विशेष नियम के तहत सिर्फ ये जारी होगा। और ये कब कैंसिल हो जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो अगर जारी भी होता है तो उसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है, या आप कह सकते हो कि एक विशेष प्रकार के नियम के तहत ही ये जारी होगा। अच्छा, फैसला किसने दिया है, तो देखो लिखा हुआ है आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिका, एक प्रतीक मिश्रा नामक कोई एक व्यक्ति है जिसने याचिका दायर की थी, उसी की याचिका पर ये दिया गया है। और 28 जून 2018 से अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। अच्छा ठीक है, लिखा हुआ नेशनल टीचर्स काउंसिल फॉर एजुकेशन के 28 जून 2, और बहुत सारे मामले चल रहे थे जैसे कि आप जानते हैं सहायक प्राचार्य भर्ती परीक्षा। तो कुल मिलाकर हमारे मतलब की बात इतनी है कि सीटेट का बीएड धारकों का रिजल्ट जो प्राइमरी लेवल का रुका हुआ है, जूनियर का तो कोई समझते नहीं, वो तो आ जाएगा, जो उस पर तो बीएड का अधिकार होता ही है, लेकिन प्राइमरी का जो रुका हुआ है उस पर ये कारण है। और अगर ये जारी भी होता है तो एक सुप्रीम कोर्ट के एक विशेष याचिका के तौर पर जारी होगा जिसको कभी भी जोड़ा या हटाया जा सकता है। फिलहाल अभी हम अगर कह दें कि बीएड वाले बिल्कुल तरह से बाहर, तो ये सरासर गलत बात है। हाँ, लेकिन ये है कि BTC वालों को इस जो ये जो फैसला है इससे बेनी फिट तो या कह सकते हैं, खुश तो हो सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि ये भारत है, ये इंडिया है, आप चुनाव की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन आपका एक ये जो जवाब रहा है कि भाई क्यों नहीं हमारी मार्कशीट आ रही है, क्यों डिजी लॉकर में अपडेट नहीं हो रही, उसका ये कारण है। ये न्यूज आपको मैं शेयर कर दूंगा, इसको ध्यानपूर्वक और पढ़ लीजिए, बकाया मैं आपको बता देता हूँ इस कारण की वजह से ये जो आज का जो CET का बीएड धारकों का जो परिणाम था वो रोक दिया गया है। बाकी ऐसी और न्यूज पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, मैं हूँ आपका अपना शशांक सर, आपके साथ में ऐसे ही न्यूज को शेयर करता रहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।